दोस्तों आप ये रामझूला से ये पैदल मार्ग जा सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड वाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप पैदल मार्ग है नीलकंठ तक, यहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। और आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो मैं गाड़ी का डिटेल्स भी इस वीडियो में दे देता हूँ। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं इस वीडियो को। अभी जा रहे हैं ऋषिकेश बस स्टैंड। दोस्तों ये है रेल स्टेशन हरिद्वार का और ये है बस स्टैंड, ये हरिद्वार का मतलब एक साथ ही है। और यहाँ तक आने के लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर आना पड़ेगा हरकापुरी से। और ये है मतलब बस स्टैंड का क्लीन, और ये है आपको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट में जो आपका जो भाड़ा लगेगा लगभग 45 to 50 पर पर्सन वन साइड में लगेगा ऋषिकेश तक। और ये है हरकापुरी का नज़ारा। और दोस्तों ये आप ये बसंती का सहारा ले सकते हैं लोकल में, मतलब रामझूला तक जाने के लिए 50 रुपये पर पर्सन लेगा ये बसंती। और दोस्तों नीलकंठ महादेव टेंपल जाने के पहले यहाँ पे एक त्रिवेणी घाट मिलेगा ये ऋषिकेश में, आप यहाँ पे नहा के उसके बाद जा सकते हैं नीलकंठ की ओर। तो ये है त्रिवेणी घाट जिस तरह का है, और पीछे में मंदिर है। पानी का स्पीड भी काफी तेज है गंगा रिवर का। आप नजदीक में संस्कृत महाविद्यालय में भी विजिट कर सकते हैं ये। और दोस्तों ये नीलकंठ जाने के लिए आपको गाड़ी पकड़ना पड़ेगा रामझूला से, और जो उसका कीमत मतलब भाड़ा आएगा वो आप डन का 200 पर पर्सन लेगा। और रोड का कंडीशन कुछ इस तरह मिलेगा आपको, टेरे मेरे ये रास्ते मिलेगा। तो और एक बात है दोस्तों, जिसको मतलब वोमिटिंग का प्रॉब्लम है वो पीछे के सीट में ना बैठे, वो मिडिल में बैठे या सामने बैठे तो काफ़ी अच्छा होगा। पीछे में बैठने से ये ऐसा मतलब देखने को मिलती है वोमिटिंग का प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपको रफ्टिंग भी मिलेगा, मतलब ये ऋषिकेश में अच्छा होता है रफ्टिंग, ये नीचे में दिखाई देगा आपको। और ये जो झूला है ये झूला है, तो उसके बाद ये विजिट करके आप रामझूला तक जा सकते हैं। रामझूला वहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है लक्ष्मण झूला से। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये झूला जो है ये केबल रोप से झूला हुआ है, मतलब नीचे में कोई खंभा वगैरह नहीं है। ये लक्ष्मण झूला टेम्पल का बाहर का नजारा ये।
उसके बाद आपको ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर है जो लक्ष्मण झूला से राम झूला तक, उसके बाद आपको राम झूला मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ गाड़ी भी मिलता है। तो ये रहा राम झूला का एंट्री गेट कुछ इस तरह। लेफ्ट साइड जो पैदल मार्ग किया है यही नीलकंठ पैदल मार्ग का रास्ता है। और दोस्तों ये है राम झूला। दोस्तों राम झूला लक्ष्मण झूला देखने में एक ही है। तो ये तो था वीडियो नीलकंठ का वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट दूसरा उत्तराखंड के और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आज का अभी